नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि कन्फेशन के बारे में है। तो आज के इस वीडियो में हम कन्फेशन की मीनिंग, उनकी डेफिनेशन, इनके प्रोविजंस, कौन कौन से कन्फेशन रिलेवेंट होते हैं, कौन कौन से इररिलेवेंट होते हैं, और इनके अलावा रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। स्टीफन के अनुसार कन्फेशन का मतलब वो एडमिशंस होते हैं जो किसी एक एक्यूज्ड व्यक्ति के द्वारा किसी भी कमिटमेंट ऑफ क्राइम या किसी अपराध को करने से संबंधित होते हैं कि फला अपराध मैंने किया है। इससे अदालत की कार्यवाही थोड़ी और आसान हो जाती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो कन्फेशन का मतलब वो एडमिशंस होते हैं जो किसी भी स्टेज पर, चाहे वो ट्रायल के हो या ट्रायल के पहले, बाद में या उसके बीच में, किसी भी स्टेज पर कभी भी एक एक्यूज्ड व्यक्ति के द्वारा किसी भी ऑफेंस के सिलसिले में जो कि उसने खुद से किए होते हैं, उसके बारे में वो खुद से स्वीकार करता है, उन्हें कन्फेस करता है। वैसे तो कन्फेशन की एक सही डेफिनेशन कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है, लेकिन इसके बारे में प्रोविजन इसके सेक्शन 24 से लेके 31 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन कन्फेशंस के बारे में जो कि इररिलेवेंट होंगे या रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे। तो ये जो है, ये सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 25 और सेक्शन 26 के अंतर्गत दिए गए जितने भी कन्फेशंस हैं, ये इररिलेवेंट माने जाएंगे। जहाँ पे सबसे पहला जो प्रोविज़न है, वो जो सेक्शन 24 में दिया गया है, वो ये कहता है कि अगर किसी एक्यूज्ड व्यक्ति ने कोई चीज़ कन्फेस करी है, अपने किसी कमिटमेंट ऑफ क्राइम से रिलेटेड कोई बात कन्फेस करी है, और ये कन्फेशन किसी तरह के इंड्यूसमेंट, थ्रेड या फिर उसके अलावा किसी प्रॉमिस से रिलेटेड है, इनकी वजह से दिया गया है, किसी तरह के उलाहनापन, लुभावनापन या भय की वजह से, या फिर किसी प्रॉमिस की, किसी झूठे वादे की वजह से दिया गया है, तो इसके अंतर्गत दिए जाने वाले जितने भी कन्फेशन होंगे वो रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे, वो इररिलेवेंट होंगे। सेक्शन 24 के अंतर्गत एक्यूज्ड व्यक्ति द्वारा दिए गए कन्फेशन किसी भी पर्सन इन अथॉरिटी को दिए जा सकते हैं। दैट्स में बात की गई है कि आवश्यक नहीं है कि इसमें जो कन्फेशन दिए जाएं वो किसी पुलिस ऑफिसर या किसी ऑफिसर को ही दिए जाएं। ये किसी मुखिया को, किसी ग्राम के प्रधान को, सरपंच को या किसी आम व्यक्ति को भी दिए जा सकते हैं। तो इनको दिए गए ये कन्फेशन जो किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस की वजह से दिए जाते हैं, वो इररिलेवेंट होते हैं, एडमिसिबल नहीं होते। दूसरा प्रोविजन जो कि सेक्शन 25 में दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि वो सारे कन्फेशन जो एक व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस ऑफिसर को दिए जाते हैं, वो भी यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होंगे, इररिलेवेंट माने जाएंगे। क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिए गए सारे कन्फेशंस ट्रस्टवर्दी नहीं होते। अब इस सेक्शन 25 के अंतर्गत दिए गए पुलिस ऑफिसर से मतलब हमारा उस ऑफिसर से होगा जिसको किसी क्राइम के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करने का और चार्जशीट को फाइल करने का अधिकार मिला हुआ है, उसके पास राइट होता है। इस पार्ट का सबसे लास्ट प्रोविजन सेक्शन 26 के अंतर्गत दिया गया प्रोविजन है, जिसमें यह कहा गया है कि वो सारे कन्फेशन जो किसी पुलिस कस्टडी के अंतर्गत किसी पुलिस ऑफिसर को एक एक्यूज ने दिए हैं, वो रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे, वो एडमिसिबल नहीं होंगे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि अगर सेम कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिया गया है तो ये कन्फेशंस एडमिसिबल माने जाएंगे। यहाँ पे मजिस्ट्रेट से हमारा तात्पर्य CRPC के अंतर्गत दिए गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट एक्चुअली हैं, जो पर्सन ऑफिसर्स हैं, उन्हीं से लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस कस्टडी से मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो कस्टडी हमेशा जेल की या किसी तरह के बार की हो। यहाँ पे बिना बार की किसी भी जगह पे अगर वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में आने वाली कस्टडी है, जहाँ पे पुलिस का लगातार प्रभाव बना रहता है, तो इसे पुलिस कस्टडी ही कंसीडर किया जाएगा। और अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि बात करता है कि कौन कौन से कन्फेशंस रिलेवेंट माने जाते हैं, कौन कौन से कन्फेशन एडमिसेबल हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है प्रोविज़न, वो सेक्शन 26 के ही अंतर्गत आता है। दैट मीन्स कि वो सारे कन्फेशन जो एक एक्यूज्ड व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिए गए हैं, तो ये सारे कन्फेशंस यहाँ पे एडमिसेबल होंगे, यहाँ पे ये प्रूव्ड माने जाएंगे। दूसरे प्रोविज़न के अंतर्गत इसमें वो सारे
कन्फेशन आएंगे जो कि सेक्शन 27 के अंतर्गत दिए गए हैं, जो कि किसी डिस्कवरी ऑफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है, यानी वो सारे स्टेटमेंट जो किसी डिस्कवरी से रिलेटेड हैं। सेक्शन 27 के अंतर्गत यूज किए गए डिस्कवरी शब्द का मतलब ये हुआ कि वो सारे तथ्य, वो सारे एडमिशंस जिनके द्वारा एक केस के अंतर्गत कोई फैक्ट निकल कर सामने आता हो, कोई प्रूफ, कोई तथ्य या फिर किसी तरह का कोई ऐसी चीज जिससे केस के निष्कर्ष को, कंक्लूजन को निकालने में सहायता मिलती हो। यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने ए की हत्या चाकू से की है और वो चाकू मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैं वो चाकू आपको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कन्फेशन होगा वो एडमिसेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें डिस्कवरी पता ही नहीं चल रहा है, कोई भी चीज़ डिस्कवरी नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहीं पर वो व्यक्ति ये कन्फेस करता है कि मैंने ए की हत्या चाकू से करी है और वो चाकू मेरे घर के फला कमरे में, फला अलमारी में ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर जितना स्पेसिफिक फॉर्म में कन्फेशन किया जाएगा सेक्शन 27 के अंतर्गत वो उतना ही रिलेवेंट माना जाएगा। तीसरे पॉइंट में सेक्शन 28 के अंतर्गत दिया गया प्रोविज़न आएगा जहाँ पे ये कहा गया है कि सेक्शन 24 में जितनी तीन चीज़ें थी जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस थी, इन सब के इफ़ेक्ट को हटाने के बाद अगर कोई व्यक्ति कोई कन्फेस करता है, कोई एक्यूज्ड जो होता है वो कोई कन्फेशन करता है, किसी पाप को स्वीकार करता है, अपने द्वारा किए गए किसी ऑफेंस को स्वीकार करता है, तो यहाँ पे उसके द्वारा ये किए गए जो कन्फेशंस होंगे वो एडमिसेबल माने जाएंगे, वो रिलेवेंट होंगे। और सेकेंड लास्ट पॉइंट जो कि सेक्शन 29 के अंतर्गत दिया गया है कि अगर कोई कन्फेशन कोई व्यक्ति प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी या किसी डिसेप्शन को प्रैक्टिस करने की वजह से या फिर उसके अलावा ड्रंक होने की वजह से उसको अगर थोड़ा बहुत लिकर दिया गया, उसके बाद कोई फैक्ट उगलवाया गया, उससे निकलवाया गया है, उसने कुछ कन्फेस किया है या फिर इसके अलावा उसको बाकायदा वार्निंग दे दी गई कि हाँ भैया हम आपसे कह नहीं रही हैं कि आप ये चीज़ कन्फेस करिए, फिर भी अगर उसने कुछ कन्फेस कर लिया, कोई अपराध स्वीकार कर लिया, तो वो सेक्शन 29 के अंतर्गत रिलेवेंट माना जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसके साथ कुछ भी गलत हुआ है। इस प्रोविजन को इस सेक्शन में सेटअप करने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि साम दाम या दंड भेद इस्तेमाल करके कुछ भी करके एक्यूज्ड से कन्फेस कुछ कराया जाए ताकि केस के निष्कर्ष में, उसके कंक्लूजन में पहुंचने में सहायता मिले। और सबसे लास्ट पॉइंट सेक्शन 30 के अंतर्गत आने वाला प्रोविज़न है जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई कन्फेशन किसी को एक्यूज्ड के द्वारा, जहाँ पे कई लोगों ने मिलके कोई ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो ऑफेंस कमिटमेंट का हो, अबेटमेंट का हो या अटेम्प्ट का हो, तो अगर किसी को एक्यूज्ड के द्वारा कोई कन्फेशन किया जाता है तो यहाँ पर ये कन्फेशन भी एडमिसेबल होगा, रिलेवेंट माना जाएगा। और अब हम बात करते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशंस के बारे में कि आखिर ये कन्फेशन होते क्या हैं। नॉर्मली ये कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो कि एक एक्यूज्ड व्यक्ति के द्वारा स्टार्टिंग में कहे जाते हैं, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो वो बीच में अपनी बातों से, अपने कन्फेशन से मुकर जाता है कि अरे भैया हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो इस टाइप के कन्फेशंस को रिट्रैक्टेड कन्फेशंस कहा जाता है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि बाद में मुकर जाने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि उस कन्फेशन की एविडेंट्री वैल्यू कम हो जाएगी, उस कन्फेशन की एविडेंट्री वैल्यू सेम एज पहले जैसी ही मानी जाएगी। तो ये थे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से लेके 31 तक के दिए गए कन्फेशन के बारे में प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।